मार्केट मंत्रा ब्रॉट टू यू बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बट भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर भी जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। बहुत तो अच्छी बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ SP शर्मा। डॉ शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। सेंसेक्स निफ्टी लॉग मॉडेस्ट गेन्स, सेंसेक्स क्लोजेस एट 61,200 लेवल, निफ्टी सेटल्स एट 18,250 पॉइंट्स। ग्लोबल शेयर मार्केट्स डिक्लाइन अमिड हाई US इन्फ्लेशन एंड वीक चाइनीज इकोनॉमिक डेटा, एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज टू ट्रेड अबव $84.50 पर बैरल। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज पर मामूली बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 61,200 के ऊपर पहुंचकर बंद हुआ, निफ्टी भी 18,250 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। अमेरिका में ऊंची मुद्रा स्फीति दर और चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों से दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिखी गिरावट, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $84.50 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट के रुख के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में निवेशकर्ता लिवाली करते रहे। निवेशकर्ताओं के समर्थन से सेंसेक्स 61,200 और निफ्टी 18,250 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 85 अंक यानी 0.14% बढ़कर 61,235 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45 अंक यानी 0.25% तेजी के साथ 18,258 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भी लिवाली की गई। BSE मिड कैप इंडेक्स 0.28% लाभ में रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.49% की वृद्धि हुई। Sensex and Nifty today logged their modest gains. Both stock indices added even as the cues from the global equity markets were negative. Sensex closed above the 61,200 level, while Nifty ended above 18,250 points. BSE Sensex climbed 85 points of 0.14% to finish at 61,235. NSE Nifty also surged 45 points of 0.25% to settle at 18,258. In the broader market at the BSE, the mid-cap index also gained 0.2% and the small-cap index surged by 0.45%. In the Sensex pack, shares of 19 companies climbed while 11 fell. Tata Steel was the top gainer as it surged 6.4%, followed by Sun Pharma, which gained 3.5%, Larsen and Toubro jumped 2.3%, and Mahindra and Mahindra rose 1.7%. On the other hand, Wipro plunged 0.6% and Asian Paints declined 2.5%. HDFC Bank fell 1.8% and Indus In Bank slipped 1.6%. In sectoral indices, 13 out of the 19 sectors climbed. Metal surged 3.9% and capital goods sector gained 1.6%. Power climbed 1.5%. On the other side, Realty and BankEx both slipped 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,708 companies gained while 1,715 companies fell. Shares of 76 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 3 पैसे मजबूत हुआ, 73.89 रुपए के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में
0.11% कम होकर 94.81 पर आ गया। डॉक्टर शर्मा, बाजार में हमारे यहां खासतौर से लिवाली तेज रही, हालांकि मामूली वृद्धि, लेकिन दुनिया भर में गिरावट देखने को मिली, क्या मुख्य कारण रहे? मुख्य कारण है वो मुद्रास्फीति है। यूएस में जो 7% के आसपास इन्फ्लेशन रेट हो गया है, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन इस लेवल पे चला गया है तो ये स्वाभाविक है कि फेड अपना जो रवैया है उसको और कठोर करेगा, और पहले भी वो अनाउंस कर चुके हैं कि टेपरिंग प्रोसेस जो है बहुत जल्दी होने वाला है, और अभी इसी साल में 2022 में ही प्लान्स हैं कि जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए वापस जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया जाएगा। तो इससे लगता है कि, और ऊपर से कोरोना का दौर है अभी भी जो चला हुआ है, तो पहले तो उम्मीद थी कि कोरोना के चलते शायद फेड ऐसा डिसीजन नहीं लेगा कि थोड़ा लिबर्टी चाहिए, थोड़ा कंजम्पशन डिमांड को और एनहेंस करना होगा, लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसे लेवल पे चला गया है कि ऐसी चीजें अब स्वाभाविक नहीं हो पाएंगी आने वाले टाइम में, जिस वजह से दुनिया भर के बाजारों में जो इस चिंता को लेके कि इन्फ्लेशन इतने हाई रेट पे जाना, वो भी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी में, एक वरिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि यूएस एक ग्रोथ ड्राइवर है, पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ ड्राइवर है। यूएस के साथ ही जो बहुत सारी इकोनॉमीज हैं वो अपना इंजन जो है वो ट्रैक पे रखती हैं, जैसे कि यूएस का जो एक्सपोर्ट्स में शेयर है अगर हम उसको देखें तो टोटल 8.5% के आसपास यूएस एक्सपोर्ट करता है, जो वॉल्यूम लगभग कोई 1.5 ट्रिलियन के आसपास का वॉल्यूम डॉलर टर्म्स में रहता है। तो अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो उससे उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो डिक्लाइन होती है, कॉम्पिटिटिवनेस डिक्लाइन होने से जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन फैक्ट्रीज में उसके ऊपर असर आता है। तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, जिस वजह से जो दुनिया भर के बाजारों में ऐसा जो सेंटिमेंट है, लैकलस्टर अप्रोच देखी गई, कहीं पे बहुत ज्यादा डिसलिरेशन देखी गई। भारत के बाजार में जैसे कि आज हमारा ऑप्शंस का एक्सपायरी डे भी था, जो वीकली एक्सपायरी डे होता है, तो उसमें वॉलीटिलिटी भी देखी गई, काफी स्तर पे मार्केट्स ने डिसलिरेशन देखी, फिर वापस एक राइज देखा, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग का दौर था या फिर रोल ओवर था कुछ पोजीशंस का। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लिक्विडिटी आने वाले टाइम में इम्पैक्ट हो सकती है, जो अभी संकेत हैं और जिसकी वजह से जो वॉलीटिलिटी है बाजारों में, दुनिया भर के बाजारों में, और काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है अगर फेड ने अपना रवैया बहुत जल्दी जो सख्ती का रुख है वो अख्तियार कर लिया तो। डॉक्टर शर्मा, यू हैव साइटेड द इन्फ्लेशन फिगर्स इन द यूएस इकोनॉमी विच इज लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर ओन प्रोडक्टिविटी एंड प्राइसिंग एज वेल। इफ यू लुक एट आवर फिगर्स विच वर रिलीज्ड यस्टरडे, the consumer price index for the month of December was at 5.59%, and I'm sure that's had a direct impact on the IIP figures, which was only up by 1.4% for the month of November. So macroeconomically speaking, do you see an decrease in productivity and an upsurge in inflation in December and in this particular quarter impacting corporate performance? Yet we are not seeing that in the market sentiment. It's still bullish. There's still buying interest, especially by DIIs, even though the FIIs were the net sellers today. Yes, Arjun, your question is very relevant, because our production, our IIP numbers are decelerating month after month, because we saw 134% increase in the month of April, then growth was around 30%, then in June around 13%, in July around 10%, again August was 10%, and from September now IIP numbers are growing at around 3% only, and the November figure is 1.4. So though we have gained great opportunity in the export segment, we have already achieved the 300 billion mark by December in the first 9 months, but the consumption demand is still impacted. Consumption is not taking high trajectory because of various reasons, because the rural demand still is not that much intact, and there are corona waves one after one, and where there is some
opportunity again, corona is hitting again and again. About the inflation front, I would like to mention that we can't compare our inflation numbers with the U.S. economy because U.S. inflation is always at around 1%, 1.5% and less than 2%. But this is the first time during the last four decades that inflation is hitting such a high number. So, but in developing economy like India, we are because our supply structures, our various other challenges are not that much adequate. So that's why our economy face inflation. There are some years where we face the inflation 2-3% and 4-5%, and the general on an average inflation remains at around 4%. So in our country, inflation at 4-5% is not a major worry because government takes so many measures to control the prices. And but in the U.S. economy, this inflation figure is very, very Yes, Dr. Sharma, we will continue this discussion in greater detail, but this is after a very short break. So please stay tuned on Market Mantra. Right. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है. अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे तो ये बात है. हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए. बड़े भैया. अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे भारतीय शेयर बाजारों की ओर. दुनिया भर में गिरावट हुई है और प्रमुख यदि शेयर बाजार देखें या यूरोप को देखें तो सिंगापुर को छोड़कर केवल भारत का शेयर बाजार है जो अपेक्षाकृत निवेश देखा गया है. तो भारतीय बाजार की मजबूती के पीछे क्या कारण आपको नजर आ रहा है? देखिए, मजबूती के पीछे जैसे मैंने बताया कि हमारा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है काफी मजबूत है और हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन डिमांड है उसको और ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है. सरकार ने पिछले 18 महीने में बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं. हर एक सेगमेंट को टच किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एमएसएमई सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एनबीएफसीज, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एवरी सेक्टर इज फोकस्ड ड्यूरिंग द लास्ट 18 मंथ्स. हर एक जगह पे सरकार ने कुछ न कुछ रिफॉर्म्स की हैं और उन रिफॉर्म्स का एक भरपूर नतीजा ये निकला कि जो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 24% की डिसलिरेशन देखी थी वो इस क्वार्टर में 20% से ज्यादा हमने एक अपसाइड देखी. तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्राजेक्ट्री है वो वापस अपनी पटरी पे आ गई है. इस साल की जो संभावनाएं हैं 9.5% की जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संभावनाएं हैं और बहुत सारी जो फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इसी रेट के आसपास जो भारत का ग्रोथ अनुमान लगाया है उसी वजह से जो अट्रैक्टिवनेस है जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भारत की तरफ काफी आकर्षित है क्योंकि बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं. और अगर हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको और सपोर्ट मिल जाती है तो हमारे लिए डबल डिजिट ग्रोथ ट्राजेक्ट्री अचीव करना बहुत दूर नहीं होगा जो कि और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्फ्लोज को इंट्रैक्ट करेगा. डॉक्टर शर्मा, जस्ट कमिंग बैक टू द मार्केट परफॉर्मेंस, इफ यू लुक एट बीटा स्टॉक्स, स्टॉक्स विच either outperform or underperform the market. We had Tata Steel, JSW Steel, which performed outperformed the market, the Sensex and the Nifty. Are commodity prices also likely to go up, increasing the profitability of the metal sector companies, which are producer companies? Do you see that happening and adding to the inflation concerns of the economy? Briefly. Yes, because commodity cycle is now on the upside and we are observing that last year in 2020 and 2021, there was a great upsurge in the commodity prices. Almost all the basic commodity prices prices go up by more than 50% in most of the commodities. And particularly the steel prices are skyrocketing. But with the high inflation and trajectory of the economic growth at the high level, I don't see that there will be some respite in the coming times. Prices will remain intact in the commodity segment because of the liquidity support and the expectations from the economy and the emerging demand in the world economy and rising exports.
But going forward, we have to control the prices in the coming times so that the production possibilities and the growth trajectory remains sustainable at the high level. Because if we are facing high inflation like more than 5%, 6%, that is not good for the Indian economy. We have to address it with various measures like reducing the custom duties on the various basic raw materials so that the production costs are not becoming high and the price cost margins of the producers remain intact. Dr. Sharma, we also seeing the FNO expiry was today, and there is a new build-up of positions. We're seeing a long build-up, especially in steel sector stocks. Are there any other sector stocks that you believe are going to rise as far as our retail investors would like to know who are listening to this program? I believe the IT sector is also very, very promising because now in the advanced economies like US, inflation is hitting high. So we are a low-cost producing country in the services sector, and our services exports and growth trajectory is also very, very intact, and we are always in the surplus in the services exports. So I am very, very positive on the IT stocks and along with the infrastructure, because we have a lot of reforms in the infrastructure segment like NIP, then the Gati Shakti scheme to connect all the reforms undertaken by the government. So infrastructure sector will also boom in the coming times because now, because of this third wave, some impact is there. But after the vanishing of this third wave in the next 15-20 days or 1 month or so, we will again see the trajectory of infrastructure going up and the infrastructure becoming a great growth driver of the Indian economy. And Dr. Sharma, what about pharmaceutical stocks, especially with the third wave of COVID-19? Of course, Arjun, this is a very prominent and very resilient sector of the Indian economy. We are very good in the pharmaceutical, and we have exports, great exports, and the exports were at fourth, fifth number in the top 10 exports during the last financial year. And along with the pharmaceutical, I believe food processing sector is also a very promising sector, where the agriculture sector has shown a great strength during the last financial, and agriculture exports grew by more than 40% during the last financial. So I believe going forward, government focus is on the agriculture sector, and there is a focus also to double the farmers' income, and that's why the reforms are taking place in the agriculture sector segment, and the exports will remain intact in the coming times also. डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान रुपए की ओर ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे रुपया अब किस दिशा में जाता देख रहा, आज 3 पैसे की मजबूती आई है और 73.89 के स्तर पर पहुंचा है रुपया. यस, रुपी सिनेरियो, आई डोंट सी अ मेजर deceleration or depreciation in the coming times in the rupee, because we have capital flows intact, and corona impact on the economy will not be that much high. There are partial curfews, weekend curfews, so the economic activity will remain intact, and after 15-20 days, I believe India will again start attracting the foreign flows, and markets have great potential to move forward. And in the FDI segment also, we are growing more than 20%. So that's why I believe rupee will remain strong. But some volatility may be there, because sometimes there are news-based volatility in the market, and there is market outflow. Sometimes Sensex decelerates more than 1,000 per points. So that impacts the capital flow, outflow on a particular day, and the rupee is also impacted for a few days. But overall, rupee will remain strong, and there is no worry of deceleration in the coming times. बस यहीं पर श्रोताओं लेना चाहेंगे हम एक छोटा सा विराम. विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अब सर भी जाए. अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे. वो तो ये बात है. हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए. बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाने. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में.
आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज बिकवाली तेज रही। चीन से आए कमजोर आर्थिक आंकड़ों का विपरीत प्रभाव निवेशकों पर देखा गया। इसके अलावा अमेरिका के मुद्रा स्फीति संबंधी आंकड़ों ने भी बाजार को विपरीत रूप से प्रभावित किया। गौरतलब है कि अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर लगभग 40 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन सब खबरों के बीच बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंग सेंग 0.1% नीचे आकर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की गिरावट हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1% घटकर बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.2% नीचे आ गया। उधर चलन के विपरीत सिंगापुर में लिवाली तेज रही और स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी कुल मिलाकर गिरावट का रुख दिख रहा था। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.1% नीचे चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.5% की गिरावट थी और जर्मनी का डैक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। डॉक्टर शर्मा, इवन दो द यूरोपियन मार्केट्स वर अप, द एशियन मार्केट्स वर डाउन, एंड व्हाट इज दिस वीकनेस इन द चाइनीज इकोनॉमिक डेटा? वी नो दैट देयर हाउसिंग मार्केट एंड द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज टेकन अ हिट, स्पेशली आफ्टर द एवरग्रांड डिफॉल्टिंग ऑन इट्स डेट ऑब्लिगेशंस। Yes, Arjun, because now that this third wave is again hitting some of the economies in the Asian countries very badly, and Europe is also hard-hitted, and there are cases in the Middle East also. So all this scenario will impact the exports trajectory, because China is a great partner in the exports, world exports, and I believe Chinese exports are at around 2.5 trillion. Which becomes at around 15-16% of the total world exports. So Chinese economy is totally driven by the external factors like exports. But at the center where there is some slowdown in the demand in the various economies where there China is a great partner, so that's why economic fundamentals of the China's economy will be impacted in the coming times too. So that's why I believe markets will remain volatile in the second largest economy, China. Because of the U.S. Dollar weakness, because inflation is hitting high, so Chinese exports towards the U.S. will also not be that much competitive. So I believe there will be a great impact on the exports of China in the coming times. विश्व अर्थव्यवस्था में इस साल क्या आसार रहने के आसार आपको दिख रहे? I believe विश्व अर्थव्यवस्था जो है वो एक क्योंकि जो 2021 था वहां मैं बताना चाहूंगा कि 2020 में हमने बहुत ही सीवियर डिसलेशन देखे, बहुत ही डिक्लाइन हुआ इकोनॉमिक, जो ग्रोथ ट्राजेक्ट्रीज थे बहुत सारे कंट्रीज के सभी नेगेटिव में थे कुछ को छोड़ के, और 2021 जो था वो ईयर ऑफ रिकवरी था, एक शार्प रिकवरी जिसमें ग्रोथ रेट्स बहुत अच्छे आई। लेकिन अभी 2022 जो है मैं उसको मानता हूं कि ईयर ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा, जहां पे बेस इफेक्ट का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा जो हमें 2021 में मिला, लो बेस इफेक्ट हर एक इकोनॉमी को मिला थे। तो 22 में मैं देख रहा हूं कि इकोनॉमीज कंसोलिडेट करेंगी, और जिस इकोनॉमी की अपनी एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ है वो अच्छा ग्रोथ रेट दिखाएंगी। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो लगभग कोई 7.5% फोरकास्ट किया गया है वेरियस एजेंसी से अगले साल के लिए भी, इस साल के लिए 9.5% है। तो हमारा जो वापस जो इकोनॉमिक रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्चुअल में अपना जो वापस उसी दिशा में ग्रो करना शुरू करेगा जो कि पहले प्री कोरोना लेवल पे हमने एक एवरेज ग्रोथ देखा था 7% के ऊपर का 2011 से लेके 2018। डॉक्टर शर्मा, इट्स टाइम फॉर अस टू मूव इन टू द यूएस स्टॉक मार्केट स्टोरी नाउ, and we would like your opinion on that as well. US stock indices rose yesterday after data showed that while US inflation was at its highest in decades, however, largely
economists who it largely met economists' expectations, cooling some fears that the Federal Reserve would have to pull back support even more forcibly than already expected. The Dow Jones Industrial Average added 0.1%, and Nasdaq Composite Index jumped 0.2%, and the S&P 500 rose 0.3%. Very briefly, the Fed Reserve had announced on drawing back on the bond purchases. Tapering would take place by May. When is the tapering actually going to start? Has it already started? And what is the discount rate right now? I think tapering, if they are announcing in the month of May, that will be not that much negative for the markets, because expectations and anticipation was that they will taper, start tapering from before the month of March. So I believe there will not be any major impact, but the markets can remain volatile throughout the world. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today gained marginally to near two-month highs, with Brent crude trading near above $84.50 a barrel. It rose amid expectations that a strong economic recovery will boost demand, but rising U.S. inventories and high inflation capped gains. In intraday trade, Brent crude was trading around $84.70 per barrel, while WTI crude prices were at $82.80 per barrel. How concerned are you with the spot market prices having crossed $82 to $84 per barrel? Is it likely to remain range bound, or will it go up? No, I think these will remain range bound, because but there is no expectation of deceleration, because this is in the deficit. Demand is more and supply is less because of the production cut. So I believe prices will remain at around this trajectory, but there is no further upside is expected because of the third wave, and demand will be will face some impact, and no deceleration. Significant deceleration is also expected because there is a supply deficit. जी, आगे बढ़ते हैं. मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में अंतरदिवसीय कारोबार में फरवरी अनुबंध वाला सोना आज 60 रुपए बढ़कर 47,875 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. उधर मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 380 रुपए बढ़कर 62,240 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोने का मूल्य थोड़ा सा कम हुआ, $1,825.10 प्रति औंस पर आया, लेकिन चांदी थोड़ी सी मजबूत होकर $23.23 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई. बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे, सोने चांदी या खासतौर से सोने के भाव पर किस दिशा में जाते दिख रहा सोना, वर्तमान जो शेयर बाजार की हालत है उसमें? देखिए, सोने में मैं कोई गिरावट तो नहीं देखता हूँ, लेकिन अपसाइड हो सकता है. अब जैसे टेपरिंग का जो प्रोग्राम है, मान लीजिए वो मई में जाके होता है, तो जो प्राइसेस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे. और अगर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाती है कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है, तो प्राइसेस शार्पली ऊपर जा सकते हैं. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. जी शुक्रिया, थैंक यू. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. सेंसेक्स एंड निफ्टी लॉग मॉडेस्ट गेन्स. सेंसेक्स क्लोजेस एट 61,200 लेवल. निफ्टी सेटल्स एट 18,250 पॉइंट्स. ग्लोबल शेयर मार्केट्स डिक्लाइन अमिड हाई यूएस इन्फ्लेशन डेटा एंड वीक चाइनीज इकोनॉमिक डेटा. एंड ब्रेंट क्रूड प्राइसेस राइज टू ट्रेड अबव $84.50 पर बैरल. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फॉर नाउ. गुड बाय. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है. अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे तो ये बात है. हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए, और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए. बड़े भैया. अरे छोटे. भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. मार्केट मंत्रा ब्रॉट टू यू बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज.